यसु के बबरकत खूबसूरत और फतह भर नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमाने कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। सुबह जी दो, आज का हमारा नया मौसू, आज का हमारा नया टॉपिक मसीह मजहब में शगिर्दियत का तसव्वुर। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इसको जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीज वकारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। आए कलामे मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें, मेरे साथ मिलकर निकालें मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 28 बाब है और उसकी आयत मुबारक का 19, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन तुम जाकर सब कौमों को शगिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे अजीजों, ये आयते मुबारक का जो कि अरशाद आजम कहलाती है, इससे पहले कि हम लोगों को कौमों को शगिर्द बनाएं, उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हमारी अपनी हालत जो है वो शगिर्दियत की होनी चाहिए। मैं साथ मिलकर एक आयते मुबारक की तलावत करें, ये साया नबी का सहीफा और उसका 50 बाब है और उसकी आयत मुबारक 4, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदावन खुदा ने मुझको शगिर्द की जबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शगिर्दों की तरह सुनूं। कलामे मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। मेरे अजीजो, मसीहत में शगिर्द बलाहट के तौर पर भी बनते हैं और फिर दीन मसीहत में शगिर्द जो हैं वो अपनी रजा कराना मर्जी से भी और दिली ख्वाहिश से भी बनते हैं। मेरे अजीजों, याद रखें कि जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो पदेश की किताब से शुरू करके मुकाशवा की किताब तक जब हम पहुंचते हैं तो हमें इस सच्चाई से वाकफियत हासिल होती है कि शगिर्द होना ये अहम मजमून है और बाइबल मुकद्दस में हमें इसका बारहा जिक्र मिलता है। सुबेरेजीजो, आप दुनिया के किसी भी मजहब का मुतालिया कर लें तो आपको किसी ना किसी जगह शगिर्दों का तस्वर और जिक्र जरूर मिलेगा। इसके अलावा जब हम मुआशराती तौर पर इस मुआशरे पर गौर करते हैं तो हमें इस मुआशरे में उस्ताद और शगिर्द का तस्वर मिलता है ताकि किसी से इलम सीख सकें। जब हम दीन मसीहत का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में बुजुर्ग मूसा के भी शगिर्द हमें मिलते हैं, फिर नबियों के शगिर्दों का जिक्र भी हमें मिलता है। बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में आते हैं तो यूहन्ना इस्तबागी के शगिर्दों का जिक्र भी हमें मिलता है और फिर इससे बढ़कर यसु अलमसीह के भी शगिर्दों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हर वो ईमानदार, हर वो यसु मसीह का पैरोकार, हर शख्स जो मसीह कहलाता है वो शगिर्दियत की हसीयत रखता है। मेरे जीजो, आज के इस जदीद दुनिया में जब अब दीन मसीहत का मुतालिया करते हैं तो आपको मसीह बहुत मिल जाएंगे मगर दीन मसीहत में मसीह के शगिर्द बहुत कम मिलेंगे। हर मुल्क में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनियों में आपको क्रिश्चियन मसीह बहुत मिल जाएंगे
मगर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह के शिगिर्द आपको बहुत कम नजर आएंगे। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लफ्ज शिगिर्द जो है, बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में इसका जिक्र हमें 3 मरतबा मिलता है, और जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं तो दूसरे हिस्से में, बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में लफ्ज शिगिर्द जो है इसका जिक्र हमें 270 मरतबा मिलता है, जबकि टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज शिगिर्द जो है ये 273 मरतबा पाया जाता है, और जिसका यूनानी और इब्रानी में मतलब है तरबियत हासिल करने वाला, उसको शिगिर्द कहा जाता है, सीखने वाला उसको शिगिर्द कहा जाता है, मरीद होने वाला उसको भी शिगिर्द कहा जाता है, चेला कहलाने वाला उसको भी शिगिर्द कहा जाता है, जो किसी उस्ताद के हवारी हों उनको भी शिगिर्द कहा जाता है, फिर जो किसी उस्ताद के पैरोकार हों, उसके नक्शे कदम पर चलते हों, उनको भी शिगिर्द कहा जाता है। इसके लिए तालब इलम भी लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है, सुहाबा कराम भी इसके लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ऐसा शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान लाए, दीन मसीहत में शिगिर्दियत का मतलब सुन लीजिएगा, ऐसा शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान लाए और उसके ताबेदार होकर उसके हुक्मों पर अमल करे, उसको शिगिर्दियत कहा जाता है। फिर नंबर 2, ऐसा शख्स जो यीशु मसीह से सीखना चाहता हो और फिर उसकी तरह बनना चाहता हो, उसको दीन मसीहत में शिगिर्दियत कहा जाता है। शिगिर्दी इरादा करना, खुदा उन खुदा के तालब होना, अगर कोई कुछ बनना चाहता है उसकी इस्लाहियत को समझकर सीखकर उसको चमकाना चाहता है, उसको शिगिर्दियत कहा जाता है। शिगिर्दियत का एक और मतलब, शिगिर्द की ख्वाहिश होनी चाहिए कि उसका मकसद ये होना चाहिए कि वो अपने उस्ताद की मानंद बने। यीशु अलमसीह के मिशन का बुनियादी मकसद शिगिर्दियत है, यानी यीशु मसीह के मुनज्जम तालब इलम पैरोकार बनाना, उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी वो गुजारने वाले हों, चाल चलन में उसकी मानंद हों, बोलचाल में उसकी मानंद हों, सोचों और ख्यालों में उसकी मानंद हों, करदार में उसकी मानंद हों, दुआ करने में यीशु मसीह की मानंद हों, फर्माबरदारी में उसकी मानंद हों, तालीम हासिल करने में उसकी मानंद हों, बर्दाश्त में उसकी मानंद हों, लुक लाइक डिसाइपल नॉट लाइक क्रिश्चियन। हमें ऐसा शिगिर्द होना चाहिए जो कि मसीह की मानंद हो। शादे आसम जो हमें दिया गया है वो भी यही है, मुकद्दस लुका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 39, शिगिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। सुबह दिन मसीहत में जब हम यीशु मसीह के पैरोकार होकर उसकी शिगिर्दियत में आ जाते हैं तो याद रखें कि बाइबल बयान करती है जब हम मुकम्मल सीख जाते हैं तो फिर हम अपने उस्ताद जैसे हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। और फिर बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा हुआ है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। ऐसी जो मशरकी तहजीब में ये मुमकिन नहीं कि उस्ताद किसी शिगिर्दों के पांव धोए, मगर हमारे उस्ताद मोहतरम ने जिसका नाम रबाना यीशु अलमसीह है, उसने हमें एक पैटर्न दिखाया। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारक 13, तो मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। मेरे अजीजों, यहां पर दीन मसीहत के उस्ताद मोहतरम ने हमें एक पैटर्न दिया है कि हम जब शिगिर्दियत में आ जाते हैं तो फिर हम अपने आप को हम्बल, हलीम,
इंकसार और खाकसार बना लेते हैं। इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजीले मुकद्दस और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारक 31, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शगिर्द ठहरोगे। और जब हम खुदा के कलाम पर कायम रहते हैं तो फिर हम हकीकत में उसके शगिर्द ठहरते हैं। इसी तरह यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीले मुकद्दस और उसका 15 बाब और उसकी आयत मुबारक 8, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ जब ही तुम मेरे शगिर्द ठहरोगे। शगिर्द की निशानी ये है, शगिर्द का ये अमल है कि वो बहुत सा फल लाने का सबब बने और बहुत सारे लोगों को शगिर्द बनाए। इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीले मुकद्दस और उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारक 35, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शगिर्द हो। मेरे असीजो, हमें आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है, क्या हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह के शगिर्द हैं? क्योंकि अरशादे आजम यह है कि तुम जाकर सब कौमों को शगिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। शगिर्द बनाने का अरशादे आजम दिया गया है, ना कि चर्च बनाने का, ना कि कलिसिया बनाने का, बल्कि हुक्म यह दिया गया है कि तुम जाकर कौमों को शगिर्द बनाओ और शगिर्दियत से पहले आप खुद यीशु मसीह के शगिर्द बनकर उन लोगों को एक पैटर्न दें। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीले मुकद्दस और उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारक 12, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। मेरे असीजो, आज हम सबको अपनी अपनी जिंदगी पे गौर करने की जरूरत है, क्या हमने वाकई यीशु मसीह की शगिर्दियत में वक्त गुजारा है? अगर नहीं गुजारा तो मैं आज आपको दावत देता हूं, रूह जान बदन से यीशु मसीह के शगिर्दियत में आ जाएं और वैसा ही मजाज रखें जैसा मसीह यीशु का था। और फिर जब आप शगिर्दियत में कामल हो जाए तो फिर जाकर अरशादे आजम की तकमील के लिए लोगों को जाकर यीशु मसीह के शगिर्द बनाएं, ताकि इस नए साल में आप खुदा उनके खेत में काम कर सकें। खुदा आप सबको इस नए साल में यीशु मसीह की शगिर्दियत में आने की तौफीक अता फरमाए और फिर आप अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि आज ही अपनी जिंदगी का एक यूटर्न लें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दिंदा कबूल करें, उसकी शगिर्दियत में आ जाएं और फिर हमेशा की जिंदगी के वारस हो जाएं।